हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल और इंडिया जॉमनी 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, ऐसे जीडी की फिजिकल की अपडेट आपको डेली देता आ रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा। साथियों, दिन के अंदर वीडियो में इसलिए पब्लिक नहीं करता क्योंकि जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं जाती पूरे दिन की, तब तक मैं वीडियो पब्लिक नहीं करता। क्योंकि साथियों, मैं ऐसा नहीं हूँ कि आपके लिए मैं हर आपको 10 मिनट बोलता रहूँ आप इतने हुए अब इतने हुए। उससे क्या है कि साथियों, आपके अंदर भी एक डिमोटिवेशन पैदा होता है और जाहिर सी बात है आप भी सोचते हैं ऐसे ही कर रहा है। तो दोस्तों, मैं ऐसा काम नहीं करता। मैं आपको पूरी फाइनल रिपोर्ट आएगी तो आपको डेली पर डे आपको एक मॉर्निंग का सुबह यदि कोई चेंजेस होता है तो उसमें वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा और एक शाम को वीडियो पब्लिक हो जाएगा। बात करते हैं आज की वीडियो के अंदर। देखो, आज थोड़ा सा फेरबदल आपका सबसे पहले तो एंट्री के टाइम पर किया गया। एंट्री के टाइम पर डॉक्यूमेंट्स में फेरबदल यह किया गया कि आपके आधार कार्ड के साथ में एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका एक आईडी प्रूफ आभिवास होना चाहिए, जिसके अंदर आप वोटर आईडी ले सकते हो, पासपोर्ट ले सकते हो या फिर आप पैन कार्ड ले सकते हो। आधार कार्ड के साथ में एक आपका और होना चाहिए, ये तो आपका हुआ। दूसरी बात, आज थोड़ी सी प्रोसेस फास्ट हो गई क्योंकि आपको पता है फर्स्ट दिन आपको सेट करते हुए टाइम लगता है। 400 से किसी कोई भी काम हो हम फर्स्ट दिन करते तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, पर जैसे जैसे धीरे धीरे उस काम को करते हैं तो उतना ही फास्ट तरीके से होता है। और उसी तरीके से एसएससी जीडी का फिजिकल देखने को मिल रहा है। आपका एसएससी जीडी में आज सुबह 4:30 बजे कई सेंटर पर एंट्री दे दी गई थी। कल आपका कई सेंटर पर 6 बजे तक एंट्री नहीं दी गई, पर आज सुबह 4:30 बजे एंट्री दे दी गई थी। जैसे मैं बात करूं तो आपका बीकानेर के अंदर 4:30 बजे एंट्री दे दी गई थी, झाड़ोदा कला के अंदर 4:30 बजे एंट्री दे दी गई थी। साथ ही मैं बात करूं मेरे दोस्तों, आपको सीएसएफ यूनिट जयपुर के अंदर एंट्री दे दी गई थी, आईटीबी हिमाचल प्रदेश के अंदर एंट्री दे दी गई थी और फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ के अंदर 4:30 बजे आपकी जो जम्मू एंड कश्मीर का है वहां पर आपको एंट्री दे दी गई थी। तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत बड़ी और संकेत कर रहा है कि 4:30 बजे एंट्री देने का मतलब क्या है। मतलब ये है कि सारी फोर्स ने डिसाइड कर लिया है कि हम काम करेंगे, जो कैंडिडेट आ जाएगा उसका आज ही पूरा काम करेंगे, उसको रीमेडिकल ना मिले तो। हाँ, किसी कैंडिडेट को यदि रीमेडिकल मिलता है तो आपका हो सकता है कि आपको यहां पर 2 से 3 दिन आपको रुकना पड़ सकता है, तो वो बात अलग है। पर मैं बात करूं आज की प्रोसेस की तो आज ही वही रिकॉर्ड रहा दोस्तों। 100 में से आपका यहां पर 20 से लेकर 30 के बीच में ही कैंडिडेट फाइनली मेडिकल तक पास हो रहे हैं। बात करूं रीमेडिकल कैंडिडेट्स की तो रीमेडिकल 15 से 20 बच्चों को, हर एक सेंटर पर 15 से 20 बच्चों को रीमेडिकल दिया जा रहा है। दोस्तों, मैं बताऊं रीमेडिकल किस तरीके से दिया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए बड़ी भर्ती को फास्ट प्रोसेस में करते हुए आपको रीमेडिकल की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। कोई भी डॉक्टर हो, थोड़ी सी भी यदि उनको दिक्कत लग रही है वो तुरंत आपको रीमेडिकल दे रहा है, जिसके ये फर्क पड़ रहा है कि आपको यहां पर एक दिन और रुकना पड़ रहा है। हाँ, ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जैसे कल आपके जैसलमेर के अंदर आपके 14 बच्चों को आपका यहां पर जो मेरे पास स्क्रीनशॉट आए थे व्हाट्सएप पर मैसेज, 14 बच्चों को रीमेडिकल मिला था, तो वो 14 के 14 बच्चे आपके फिट हो चुके हैं रीमेडिकल में। सभी कैंडिडेट फिट हो रहे हैं, जिनका कलर विजन या फिर आंख का रेपर है वो कैंडिडेट फिट नहीं हो रहा है, या फिर आपका कोने वाला या फिर आप ले सकते हो यहां पर फ्लैट फुट वाला रेपर है वही कैंडिडेट फिट नहीं हो रहा है। बाकी रीमेडिकल नॉर्मली यदि धड़कन का आपको रेपर है, आपको हार्ट बीट का रेपर है या फिर अदरवाइज आपको कोई और रेपर है, तो वो कैंडिडेट सारे के सारे रीमेडिकल के अंदर फिट हो रहे हैं, ये सूचना निकल कर आ रही है। बाकी आपको बता दूं, कल तक आपके बच्चों को पता नहीं था कि डॉक्यूमेंट्स में टाइम दे रहे हैं, बिल्कुल आपको एक दिन का टाइम दे रहे हैं, पर आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। जो मैंने आपको ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है वो लिस्ट साथ में आपको 3-3 फोटोकॉपी जरूर कराकर ले जानी है, ये चीज आप ध्यान रखना। क्योंकि दोस्तों, सेकंड डे के अंदर आपको फर्स्ट दिन हो सकता है टाइम दे दिया, पर अभी तक ऐसा कोई सूचना नहीं आ रहा है कि टाइम दिया जा रहा है। हाँ, मैं बता दूं आपको 3 से 4 दिन अभी और टाइम दे देंगे, बाद में आपको टाइम नहीं देंगे, बाद में बोलेंगे। आपको पता है सोशल मीडिया के माध्यम से आप जुड़े हो तो आपको सबको पता होना चाहिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब चलो बात कर लेते आज के प्रोसेस की। तो आज का प्रोसेस आपका नॉर्मली वही कल वाला प्रोसेस रहा, कोई फेरबदल नहीं हुआ, केवल आपका एंट्री के टाइम डॉक्यूमेंट से फेरबदल हुआ। साथ ही में यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट आ रहे थे कि जैसे मेरा मेडिकल फिजिकल आ जाए तो क्या मैं 2 दिन बाद जा सकता हूँ, तो वो आपकी एग्जाम्स वगैरह सीजीएल की है या फिर अदरवाइज आपकी एग्जाम्स है, तो वो आपको सेंटर पर पहले जाके रिपोर्ट करो और रिपोर्ट करने के बाद उनसे परमिशन लो कि सर मेरा एडमिट कार्ड ये रहा, मेरी एग्जाम्स है सीजीएल की ले लो, सीएचएसएल की लो, जो भी आपकी एग्जाम्स चल रही है इस वक्त वो आपकी यदि एग्जाम्स है तो वो एग्जाम्स यदि आपकी है तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपको एडमिट कार्ड वगैरह होगा तभी आपको एंट्री दी जाएगी।
तो मैं बता दूं आपको यहाँ पर दोस्तों, ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर एंट्री दी जा रही है, कोई इश्यू नहीं है, एंट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आपको प्रॉब्लम ये है कि यदि आपकी एग्जाम्स वगैरह है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको पहले उस सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा और उसी सेंटर के माध्यम से आपको वहाँ पर मोहर वगैरह या फिर आपको हो सकता जो असिस्टेंट कमांडेंट या कमांडिंग ऑफिसर है, जो रिक्रूटमेंट बोर्ड के अधिकारी हैं, वो आपको बताएंगे भाई हाँ आप इस तारीख को आ सकते हो। वो डिपेंड करेगा, हाँ ये सेंटर पर सभी पे हो रहा है। यदि आपकी एग्जाम्स है, आपका एडमिट कार्ड है, आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ है, तो आपका 100% डेट चेंज हो रही है, उसमें कोई इश्यू वाली बात है नहीं। ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी सीआईएसएफ मान लो, चाहे बीएसएफ मान लो, चाहे आपका सीआरओ मान लो, चाहे आईटीबी मान लो, इतना गजब स्टाफ है, खुद बच्चों को हाथ पकड़वा कर दौड़ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मदद आपकी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज आप ध्यान रखना। बाकी देखो मैं आपको हर एक अपडेट, हर एक जानकारी देता आ रहा हूं, आगे भी देता रहूंगा। आप भी मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आपको मेरे को कॉल के माध्यम से अपनी जानकारी शेयर कर सकते हो, जिसका नंबर मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है। आप ऑलरेडी वो नंबर नहीं है तो मैं एक बार फिर नोट करा देता हूं, 90 24 65 47 85। इस नंबर पर जाकर आप अपना से अपना रिव्यू दे सकते हो। ये चीज आप ध्यान रखना, कंटेंट फेल हो रहे हैं सबसे ज्यादा दौड़ के अंदर फेल होने के बाद में जो सबसे ज्यादा फेल हो रहे हैं वो हो रहे हैं मेडिकल के अंदर। रीमेडिकल बच्चों को मिल रहा है, बल्कि रीमेडिकल के अंदर कल जैसलमेर की बात करूं तो एक भी कंडेट को यहां पर रीमेडिकल मिला, वो पास हो गए सभी के सभी, कोई फेल नहीं हुआ। बात करूं झाड़ोदा कला के अंदर, दो कंडेट यहां पर फाइनली बाहर हुए हैं। इसके अलावा बात करूं दोस्तों, एवरेज ना आपके लगभग मानो तो आपका यहाँ पर 42 से 43% का जो रेशियो है वो निकल कर आ रहा है कि 42 से 43% कैंडिडेट पास हो रहे हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी देखो जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी, सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक और सबसे रियल न्यूज के लिए आप ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट में जान साहब, तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं कुछ आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट में जान साहब, तब तक जय हिंद दोस्तों।